जोशीमठ आओ और चमत्कार दिखाओ। शंकराचार्य ने दिया धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज। बागेश्वर बाबा के चमत्कार पर बवाल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते कुछ लोग उनके पक्ष में आ खड़े हुए हैं तो कुछ बाबा के खिलाफ हो गए हैं। यही कारण है कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तरह तरह के बयान सोशल और स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। इसी कड़ी में बाबा को एक नया चैलेंज दिया है। दरअसल जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा का बिना नाम लिए उनको चैलेंज दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे शंकराचार्य ने अपने बयान में कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर धसती हुई जमीन को रोककर दिखाएं, तब उनके चमत्कार को मैं मान्यता दूंगा। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि वेदों के अनुसार चमत्कार दिखाने वालों को मैं मान्यता देता हूं, लेकिन अपनी वाहवाही और चमत्कारी वाले बनने की कोशिश करने वालों को मैं मान्यता नहीं देता। उन्होंने कहा कि वो अपने पास एक नारियल रखते हैं और उसी को दिखाते हैं। अगर किसी के पास शक्ति है तो धर्मांतरण रोक दें तो जाने। भविष्य बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र है, और अगर कुछ भी शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ बोला जाता है तो हम उसको मान्यता देते हैं। कुछ भी यूं ही मुख से बोलने को हम मान्यता नहीं देते। उन्होंने कहा कि मनमाना बोलने के लिए कोई संत अधिकृत नहीं है, हम भी नहीं हैं। आपके पास अगर अलौकिक शक्तियां आ गई हैं, जिसे धर्मांतरण रोक दें, घरों के झगड़ों में सुमिति ला दें, आत्महत्या रोक दें, शांति स्थापित कर दें, तो हम चमत्कार मानेंगे। हमारे मठ में जो दरार आ गई है उसे ठीक कर दें। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में हुए अपने एक कार्यक्रम को लेकर विवादों में हैं। दरअसल महाराष्ट्र की जादू टोना और काला जादू के विरुद्ध में बनी संस्था के अध्यक्ष श्याम मानव ने बागेश्वर बाबा को चैलेंज देते हुए अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए कहा था, जिसके बाद बाबा पर आरोप है कि वो वहां से कथा को बीच में छोड़कर ही वापस भाग आए थे। हालांकि इसको लेकर धीरेंद्र शास्त्री लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके गुरु के जन्मदिन के कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने अपने नागपुर के अलावा कई अन्य कार्यक्रमों के दिनों में कटौती की है। उन्होंने श्याम मानव का चैलेंज स्वीकार करते हुए उन्हें रायपुर आने के लिए कहा था। वहीं धीरेंद्र शास्त्री का नाम विवादों में आने के बाद से कई राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं ने उनके समर्थन का ऐलान किया है। कैलाश विजयवर्गीय, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं। इसके अलावा कई हिंदू संगठन आज दिल्ली में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में धरना भी देंगे। पहले ये धरना जंतर मंतर पर होना था, लेकिन अब सुरक्षा कारणों से धरने का स्थान बदल दिया गया है। ये धरना अब दिल्ली के रोहिणी में आज दोपहर 12 बजे से होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।